हरे कृष्णा। तो आज तिरुभाव दिवस है रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, करेक्ट। तो आज हम उन आचार्यों के विषय में कुछ गुणगान करने का प्रयास करेंगे। तो एक ये भजन पहले गाएंगे, जय अनिल प्रेम धाना करुणा प्रचुर, जया नील प्रेम धना करुणा प्रचुर, एन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, एन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, प्रभु को आचार्य कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनाता, पतित पावा कहाँ दास रघुनाथ पतित पावा, एक काल कोठा गेला तोरा नटरा, एक काल कोठा गेला तोरा नटरा, पाषाणे कुटिबो माथा
पशिव पाषाणे कुटिबो माता आनाले पशिबो पाषाणे कुटिबो माता आनाले पशिबो दोरांगा गुणेरा निधि কোথা গেলে পাব তোরাঙ্গের গুণের নিধি কোথা গেলে পাব सब संगीर संगे जे कैल बेला से सब संगीर संगे जे कैल बेला से संग न पाइया कांदे न रोता मदा संग न पाइया कांदे न रोता मदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सदशी श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सदशी श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय वृंदावन मथुरा धाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जय भक्ति देवी की जय तुलसी देवी की जय समवेत भक्त बृंद की जय समवेत भक्त बृंद की जय समवेत भक्त बृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि नमाम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनति नामिने नमाम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति भक्ति वेदांत स्वामिनति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्वेतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज तीन आचार्य के विषय में थोड़ा थोड़ा
हम उनका गुणगान करेंगे। सर्वप्रथम रघुनाथ दास गोस्वामी, तो इनके विषय में अलग अलग स्थानों पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो प्रथम आदि लीला के अंदर दशम अध्याय के अंदर रघुनाथ दास गोस्वामी का गुणगान कुछ वहाँ पर हुआ है, तो वो कुछ श्लोक हम पढ़ेंगे। महाप्रभुर प्रिय भृत्य रघुनाथ दास सर्वत्यजी कैल प्रभुर पाद तले वास। तो महाप्रभु के प्रिय भृत्य, प्रिय दास हैं रघुनाथ दास। क्या उनकी विशेषता है? सर्वत्यजी कैल प्रभुर पाद तले वास। उन्होंने सब कुछ त्याग करके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पद का आश्रय ग्रहण किया। तो भक्तिदान सरस्वती महाराज अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी लगभग 1494 सदी में एक कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ और उनके पिता का नाम गोवर्धन मजुमदार था, जो एक बड़े जमींदार हिरण्य जमीन मजुमदार के छोटे भाई थे। और श्री कृष्णापुर उनका जो गांव जहां पर उनका जन्म हुआ था, तो रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पिता थे, उनके बड़े पिता के बड़े भाई और सब उनके जो पूर्व के सभी पितृ थे, वो सब महान वैष्णव थे और बहुत धनी थे, जमींदार थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी, तो वो बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा उनका ऐश्वर्य था, बहुत सुंदर उनकी पत्नी थी, लेकिन वो सब त्याग करके उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण की। ये वृत्तांत हम आगे देखते हैं कि प्रथम जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिले और अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं आपकी सेवा में आना चाहता हूँ, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा, अभी नहीं, अभी आप घर में रहिए और एक जो भी आपका बिजनेस है, कार्य है, वो कीजिए, और अंदर हृदय के अंदर हमेशा आप मेरी सेवा कीजिए, स्मरण कीजिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, और समय आने पर ये आपकी जो अभिलाषा है वो पूरी होगी। तो इस प्रकार से वो कुछ समय अपने माता पिता के साथ कार्य किए, जो उनका ये सब जमींदारी इत्यादि का काम था, लेकिन हृदय में हमेशा उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने की इच्छा को पोषित किया। और फिर दोबारा से उनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु के नज़दीक जाने का, उनकी सेवा करने की इच्छा प्रगाढ़ हुई। तो एक पानीहाटी महोत्सव भी हम लोग सुने हैं कि नित्यानंद प्रभु वहाँ पर एक आए थे और एक बार आए थे, और रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ पर गए और उनसे उनकी भेंट हुई, और नित्यानंद प्रभु ने उनको आदेश दिया कि आप सभी के लिए एक महोत्सव मनाइए और सभी को यहाँ पर चिड़ा दधि ये प्रसाद खिलाइए। तो वो बहुत धनी परिवार से थे, तो उन्होंने बहुत बड़ा आयोजन किया, सब आसपास के गांवों से सभी लोग लेके आने लगे, जितना भी उनके पास चिड़ा था, दधी था और चंपकला केला, तो ऐसे करके ये सब व्यंजन बनाए और जो भी आ रहे थे सबको दोने दिए जा रहे थे और सब लोग उसमें अपना चिड़ा भिगो रहे थे, और इतनी भीड़ धीरे धीरे इकट्ठी हो गई हजारों की संख्या में। तो वो पानीहाटी में आप लोग अगर जाएंगे तो एक वृक्ष है, उसके नीचे वो महोत्सव हुआ और उसके पास में ही गंगा नदी है, तो धीरे धीरे लोग इतने बढ़ गए कि कुछ लोग गंगा नदी के अंदर भी जा कर के खड़े खड़े ही ये प्रसाद सेवन करने लगे। बहुत एक आनंदमय महोत्सव मनने लगा, और वहाँ पर सब लोग तो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को बुलाया और दोनों नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु सभी के पास घूमते घूमते सभी के दोने में से कुछ प्रसाद ले रहे थे, और फिर सबने इस प्रकार से शुरू किया। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने पहले
जो रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा आयोजित ये महोत्सव था उसमें उसको ग्रहण किया और फिर सबने वो प्रसाद लिया। और इस प्रकार से ये जो सेवा उन्होंने की रघुनाथ दास गोस्वामी ने, उसके माध्यम से नित्यानंद प्रभु की कृपा उनको प्राप्त हुई, जिससे फिर वापस जब वो अपने घर गए और जो उनके प्रयास थे घर से निकल कर के पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में आने का, वो सफल हुआ। तो बार बार वो घर से भागते थे, लेकिन बार बार उनके पिता उनको पकड़ लेते थे और लेकिन एक बार अंततः वो इस प्रकार से निकले और छुप छुप करके पीछे के रास्ते से सब गए और उनके पिताजी के सेवक उनको नहीं पकड़ पाए और वो अंततः जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण किए। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु से मिले तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वरूप दामोदर गोस्वामी के नीचे छोड़ा कि आपके ये आपको प्रशिक्षित करेंगे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी। स्वरूप दामोदर गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जो अंतरंग परिषद थे उनमें से एक थे, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, शिकी माहिती और शिकी माहिती की बहन माधवी लता, तो ये साढ़े तीन चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग अनुयायी थे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथ में उन्होंने उनके संरक्षण में छोड़ा, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूपेर रघु भी कहा जाता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने पुस्तकें लिखी कई, जिसमें से महत्वपूर्ण हैं स्तवमाला एक पुस्तक है, दान चरित मुक्त चरित, और काफ़ी लंबी आयु उन्होंने व्यतीत की रघुनाथ दास गोस्वामी ने। आरंभ में स्वरूप दामोदर गोस्वामी के असिस्टेंट की तरह से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की व्यक्तिगत सेवा की, पर्सनल सेवा की स्वरूप दामोदर के साथ रहते हुए। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाओं को समाप्त किए और फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी अप्रकट हो गए, तब रघुनाथ दास गोस्वामी फिर जगन्नाथपुरी से वृंदावन आ गए। उसका वृत्तांत हम आगे अभी सुनेंगे। प्रभु समर्पिला तन्र स्वरूपेर हाते, प्रभुर गुप्त सेवा कैला स्वरूपेर साथे। तो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को जगन्नाथपुरी में स्वरूप दामोदर के हाथ छोड़ दिया, जो उनके सेक्रेटरी थे, और दोनों ने इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की बहुत अंतरंग सेवाएं उनकी की। तो श्री प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो अंतरंग सेवा है ये भगवान की पर्सनल सेवा है, वपु सेवा उन्होंने की। स्वरूप दामोदर उनके सेक्रेटरी थे और भगवान का स्नान, उनका भोजन, उनका भोजन, उनका विश्राम, मसाज, ये सब रघुनाथ दास गोस्वामी उसमें असिस्ट करते थे। तो इस तरह से ये सब उनको अवसर प्राप्त हुआ। षोडश वत्सर कैला अंतरंग सेवन, स्वरूपेर अंतर्धाने आयल वृंदावन। तो इस प्रकार से 16 सालों तक उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की अंतरंग सेवा की, स्वरूप दामोदर गोस्वामी को असिस्ट करते हुए, और उसके बाद फिर वो वृंदावन आ गए। वृंदावन द्वि भाईर चरण देखिया, गोवर्धन त्यजी वो देह भृगुपात करिया। तो वृंदावन में जब वो आए तो उनकी इच्छा थी कि पहले मैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जो वहाँ पर हैं उनके चरण का दर्शन करूँगा और उसके बाद गोवर्धन से कूद करके अपने प्राण त्याग दूँगा। तो ये वैष्णवों का प्राण त्यागने का तरीका था, जो विरह भाव में
भगवान के पार्षद, भगवान से विरह, अत्यंत विरह अनुभव करने के कारण वो इस प्रकार की इच्छा करते थे कि अभी इस देह का कोई उपयोग नहीं है। ये एक महान भक्ति की का स्तर है जिसमें अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम के कारण विरह का अनुभव होता है। जो आज हमने भजन गाया उसका भी यही भाव है कि वैष्णव आचार्यों से इतना अधिक लगाव है कि उनके ना होने पर, उनके अप्रकट होने पर भक्तगण विरह भाव में बड़ा कष्ट अनुभव करते हैं। लेकिन वास्तव में ये कष्ट आध्यात्मिक है, इसलिए ये कष्ट नहीं है, परम आनंद है। तो इसी प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत कष्ट का अनुभव कर रहे थे कि अभी क्या करूँगा मैं जी करके, मेरे इस जीने का क्या फ़ायदा है। अभी स्वरूप दामोदर गोस्वामी नहीं है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी नहीं है, तो इसलिए गोवर्धन से कूद करके अपना देह त्याग दूंगा। यही तो निश्चय करी आइल वृंदावन आशी रूप साना तेरा वंदी लो चरणे, ऐसा निश्चय करके वृंदावन आए और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को प्रणाम किए। तबे तो दुई भाई तन रे मरी तेना दिला निज तृतीय भाई करी निकटे राखिला। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने उनको मरने नहीं दिया, उनको देह त्याग नहीं करने दिया। ये बंद कर सकते हैं, सो मच नॉइस इज देयर। और अपने तीसरे भाई के रूप में उनको अपने समीप रख लिया। महाप्रभु र लीला जत बाहिर अंतर दुई भाई तन र मुखे सुने निरंतर। महाप्रभु जो सऊद दामोदर के असिस्टेंट थे, तो बहुत चैतन्य महाप्रभु को निकट से देखा था, 16 साल उनकी अंतरंग सेवा की थी। इसलिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने उनको कहा, आप हमें अभी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के विषय में सुनाइए। और ये बड़ी महत्वपूर्ण लीलाएं हैं, अंत्य लीला। ये चैतन्य महाप्रभु की वो लीलाएं हैं जिसमें उन्होंने, जो उनके प्रकट होने का अंतरंग कारण था, गुह्य कारण था, राधा भाव को अनुभव करना और राधा क्या कृष्ण की महिमा का अनुभव करती हैं उसको अनुभव करना। तो ये जो ये पराकाष्ठा है, ये महा राधा रानी का महाभाव है, तो इसको, इसका आस्वादन करने चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। तो ये लीलाएं जो हैं वो रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत निकट से उनको दर्शन किया था स्वरूप दामोदर गोस्वामी के सानिध्य में। तो दोनों भाइयों ने कहा, अब आप हमें सुनाइए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी नियमित रूप से रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को ये लीलाओं को सुनाते थे। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इससे पूर्व एनीवे वो नवाब हुसैन शाह के यहाँ एक मंत्री पद पर थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनसे मिले रामकेली में और दोनों भाइयों ने अपने को प्रस्तुत किया चैतन्य महाप्रभु के समक्ष। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा, ठीक है, अभी आप जो है अपने ये सब जो भौतिक कार्य हैं उससे निवृत्त हो करके आप अभी आ जाइए, मुझसे मिलिए। तो दोनों भाई और एक और उनके भाई थे अनुपम भट्ट, वो तीनों अभी योजनाएं बनाने लगे कैसे चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाना है। तो रूप गोस्वामी ने सबसे पहले अपना जो भी कार्यभार था वो सब छोड़ के और सभी जो भी धन एकत्र था वो सब एकत्र करके उसको जहाँ जहाँ देना था, बाँटना था, सब बाँट के तो वो फिर चल दिए। और उधर से चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए प्रस्थान किए और दशाश्वमेध घाट अलाहाबाद के अंदर दोनों का मिलन हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को लगातार 10 दिन कृष्ण भावनामृत की शिक्षाएं दी और फिर उनको आदेश दिया कि अभी आप जो है वृंदावन जाइए। और चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने वाले थे लेकिन वृंदावन नहीं गए, वहाँ से वापस आ गए और वाराणसी, और वाराणसी के बाद जगन्नाथपुरी। रूप गोस्वामी गए वृंदावन और फिर इस प्रकार से सनातन गोस्वामी भी कुछ समय बाद में मुक्त होकर के वो भी निकल गए। और
लाइक दैट अंत में दोनों भाई जो हैं वो उधर वृंदावन में थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर और ग्रंथों की रचना कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को लिपिबद्ध कर रहे थे। तो वहाँ जाने से पहले रूप गोस्वामी एक वर्ष यहाँ रहे जगन्नाथपुरी, पहले वृंदावन गए फिर वापस जगन्नाथपुरी आए झारखंड के रास्ते से। रास्ते में वो सब स्नान करने से उनको सब खुजली ये सब कुष्ठ ये हो गया था, त्वचा रोग हो गया था, और फिर जगन्नाथपुरी आए और वहाँ पर फिर चैतन्य महाप्रभु दूर से उनसे वो दर्शन करते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु हर रोज़ उनसे मिलने आते थे और उनको आलिंगन करते थे और सब शरीर का पस उनको लगता था, उनको बहुत कष्ट होता था। तो उन्होंने विचार किया कि मैं अपना रथ यात्रा में रथ के आगे देह त्याग दूंगा, तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए और उन्होंने बोला नहीं ये तो शरीर आपका नहीं है, ये तो मेरा है, मेरे आप सेवक हैं। और उनके इस प्रकार से उन्होंने उनको आलिंगन किया और उनका ये सब रोग भी ख़त्म हो गया। और फिर उनको उन्होंने आदेश दिया कि अभी आप एक साल जगन्नाथपुरी में रहिए और फिर आप वृंदावन जाइए। तो एक साल तक वो वहाँ रहे जगन्नाथपुरी, और वहाँ पर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की सारी जो उनका मनोभिष्ट है, चैतन्य महाप्रभु के आने का जो कारण है, वो सब उन्होंने उद्घाटित किया रूप गोस्वामी ने। और तो इसलिए रूप हम रूपानुगा हैं, चैतन्य महाप्रभु का जो पूरा उनका जो मिशन है, उनका पूरा सब सब कारण है उनके आने के, वो सब रूप गोस्वामी ने प्रकट किया। और इस प्रकार से फिर चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर वो वृंदावन गए और वहाँ पर अभी ग्रंथों को रचना शुरू किया। भक्ति रसामृत सिंधु जो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया था कि आप ये सब भक्ति के सिद्धांतों को शास्त्रों का के आधार पर उनको सब डॉक्यूमेंट कीजिए। और तो वहाँ वो कर रहे हैं काम, ये सब रचनाएं कर रहे हैं। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी अभी चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए तो वो भी वृंदावन चले गए, और अभी इस प्रकार से तीनों साथ में हैं राधा कुंड पर, राधा कुंड पर तीनों अभी हैं। अन्न जल त्याग कैल अन्य कथन पल दुई तीन माठा करे न भक्षण। अन्न जल सब त्याग कर दिया रघुनाथ दास गोस्वामी ने, बाकी की तो बात ही क्या की जाए, और केवल मट्ठा कुछ बूंदे मट्ठा पीते थे, थोड़ा सा मट्ठा पीते थे बस। पूरे दिन में दुई तीन माठा तो कुछ ड्रॉप्स मट्ठे की पीते थे, और इस प्रकार सब कुछ उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। वो इतने ज़्यादा विरह में विह्वल थे कि कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता था। तो ये एक महान प्रगाढ़ कृष्ण प्रेम के कारण ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये जगत बहुत ही फीका लगता है, और हमेशा भगवान और भगवान के महान भक्तों की सेवा में, मानसिक सेवा में रत रहते हैं, और ये शरीर के ऊपर आश्रित नहीं रहते हैं, इसलिए ना सोते थे ना खाते थे। तो क्या क्या करते थे, क्या करते थे, सहस्र दंडवत करे लय लक्षणाम द्वि सहस्र वैष्णवेर नित्य परणाम। 1000 दंडवत करते थे रोज, 1,00,000 कृष्ण नाम लेते थे। हम लोग 16 माला करते हैं तो वो कुछ 24,000 होती हैं, करेक्ट 22,000-23,000 समथिंग। तो 1,00,000 नाम लेते थे हर रोज, 1,000 दंडवत करते थे, और 2,000 वैष्णवों को नित्य प्रणाम करते थे। रात्रि दिने राधा कृष्णेर मानस सेवन प्रहरेक महाप्रभुर चरित कथन। दिन रात राधा कृष्ण की मानस सेवा करते थे, और एक प्रहर चैतन्य कथन, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनाते थे। रूप रघुनाथ रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अन्य भक्त राधाकुंड में सब एकत्र होते थे। तो एक प्रहर मतलब 3 घंटे, 24 घंटे के अंदर 8 प्रहर होते हैं, तो 7.5 प्रहर वो साधना करते थे। 8 में से 7.5 प्रहर कितना रह गया, डेढ़ घंटा रह गया। तो इतना उनकी साधना का समय था, और 1.5 घंटे में
फिर स्नान, खाना, सोना इत्यादि, वो सब वो डेढ़ घंटे के अंदर। श्री प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, हमें भजन में बहुत सारी चीज़ें करने की हैं, भगवान की सेवा, पूजा, आराधना। रघुनाथ दास गोस्वामी के पद चिन्हों पर हमें उन्हें करना है। सभी जो गोस्वामी थे वो ऐसी दिव्य कृतियों में रत रहते थे, जैसे कि श्रीनिवास आचार्य ने अपने भजन में लिखा है, कृष्णोत कीर्तन गान अनर्थन परऊ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके चरण पद का हम अनुसरण करें तो बहुत कड़ाई से वो ये सब भक्ति सेवा के अंगों का पालन करते थे, बड़े नियमबद्ध होकर के, है ना। विशेष रूप से जप करने के लिए 100,000 नाम, हरिदास ठाकुर तो 300,000 नाम का व्रत था उनका, प्रतिदिन लगभग 24 घंटे ही उसमें थे। तो फिर तीन संध्या राधा कुंडे अपतित स्नान व्रजवासी वैष्णवे करे आलिंगन मान। इसके अलावा राधा कुंड में हर रोज़ 3 बार स्नान करते थे, और जितने सब व्रजवासी वैष्णव हैं उनका मान सम्मान उनको करते थे, उनको आलिंगन करते थे। सार्ध सप्त प्रहर करे भक्ति रसाधने चारि दंड निद्रा सेह नहे को न दिने। तो सार्ध सप्त प्रहर, 7.5 प्रहर भक्ति की साधना करते थे, और चारि दंड निद्रा सेह नहे को न दिने, केवल 4 दंड इतना केवल सोते थे, और वो भी कभी कभी नहीं सोते थे। तो लगभग 4 दंड मतलब 2 घंटे होते हैं, लगभग मैक्सिमम 2 घंटे सोते थे, और कभी कभी वो भी नहीं सोते थे। तन्हार साधन रीति सुनिते चमत्कार सेई रूप रघुनाथ प्रभु ये आमार। तो उनकी साधना की रीति सुन के चमत्कार होता है, और ऐसे रूप रघुनाथ वो हमारे प्रभु हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के 2 मुख्य गुरु रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी। तो हम राधा कुंड पे जाएं तो हम वहाँ पर ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी जहाँ पर भजन करते थे वो स्थान हम वहाँ देख सकते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के विषय में अभी सुनते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चैतामृत लिखे हैं, तो चैतन्य चैतामृत लिखने से पहले वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत की रचना की थी। वृंदावन दास ठाकुर वो व्यास देव जी के अवतार हैं, और सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु के की लीलाओं का, उनके शिक्षाओं का के बारे में विस्तार से वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा। तो ये चैतन्य भागवत है, इसका नाम पहले चैतन्य मंगल था, लेकिन बाद में लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य मंगल के नाम से एक और ग्रंथ लिखा, तो वृंदावन दास ठाकुर ने उसका नाम बदल करके चैतन्य भागवत कर दिया। तो चैतन्य भागवत के अंदर चैतन्य महाप्रभु की मुख्य रूप से जो बाल लीलाएं हैं और जो जगन्नाथपुरी में जो उनकी आरंभिक लीलाएं हैं उनका वर्णन बड़े विस्तार से किया गया है, लेकिन अंत्य लीलाओं का वर्णन अधिक विस्तार से वहाँ पर उन्होंने नहीं किया है। तो गदाधर पंडित के गदाधर पंडित के एक शिष्य थे अनंत आचार्य, उनके एक शिष्य थे हरिदास पंडित। ये हरिदास पंडित भगवान चैतन्य महाप्रभु के बहुत महान अंतरंग भक्त थे, और नित्य जगन्नाथपुरी में ये चैतन्य भागवत का श्रवण और कीर्तन करते थे, और बहुत सारे भक्त नित्य प्रतिदिन आकर के उसको श्रवण करते थे। अभी भी एक मठ है गंगा गोस्वामिनी मठ, तो उसी परंपरा में आगे एक राजकुमारी थी गंगा गोस्वामिनी, गंगा माता, उन्होंने वहाँ एक मठ का निर्माण किया, वो गंगा गोस्वामिनी आश्रम बाद में स्थापित हुआ। तो वो हरिदास पंडित, ये हरिदास ठाकुर नहीं है, ये हरिदास पंडित एक और महान भक्त हैं। तो वो इस प्रकार चैतन्य भागवत का श्रवण करते थे, कीर्तन करते थे। उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को कहा,
आप जो है अंत्य लीलाओं को विस्तार से लिखिए। तो हरिदास पंडित ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को ये आदेश दिया था और कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो कैसे उन्होंने ये चैतन्य चरितामृत लिखी इसका वर्णन अभी हम सुनते हैं। तो नित्यानंद प्रभु एक बार उनके घर आए थे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के घर आए थे, मीनाकेतन रामदास उनके घर आए थे जो नित्यानंद प्रभु के एक महान भक्त थे। तो ये मीनाकेतन रामदास तो उनके वहाँ पर एक उनके पुजारी थे घर में, तो वो उनका मीनाकेतन रामदास का ढंग से सम्मान नहीं किए। और बाद में फिर ये इनके भाई जो थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी के, तो वो चैतन्य महाप्रभु को तो स्वीकार करते थे भगवान हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु को भगवान बलराम के अवतार हैं ऐसा स्वीकार नहीं करते थे। तो इसलिए मीनाकेतन रामदास जो है उन पर बड़े क्रुद्ध हुए और चले गए वहाँ से। तो उसके विषय में अभी वर्णन है। दुई भाई एक तनु समान प्रकाश, नित्यानंद नामान तुमार हबे सर्वनाश। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने भाई को प्रताड़ित किया कि ये दोनों भाई एक तनु, ये एक ही तनु हैं, समान प्रकाश, ये समान रूप से दोनों भगवान हैं। नित्यानंद ना मान, आप नित्यानंद को नहीं मानते हैं इसलिए आपका सर्वनाश होगा। बहुत क्रुद्ध हुए, बहुत प्रताड़ित किया अपने भाई को कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। एकेत विश्वास अन्य नाकर सम्मान, अर्ध कुक्कुटी न्याय तुमार प्रमाण। आप एक पे विश्वास करते हैं और दूसरे का असम्मान करते हैं, ये अर्ध कुक्कुटी न्याय है। आपका जो प्रमाण है, आपका तरीका जो है, वो अर्ध कुक्कुटी न्याय है। हिमवा दोन्हा ना मानी न हाओ तपाषण, एक मानी आरे ना मानी ऐ मत भंड। तो अच्छा है कि आप नास्तिक हो जाएं और दोनों को ही छोड़ दें, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नहीं तो आप एक पाखंडी की तरह से आप कार्य कर रहे हैं, एक को मान रहे हैं एक को नहीं मान रहे हैं। ये कैसे संभव है? आप चैतन्य महाप्रभु को मान रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के परम पार्षद उनको आप अस्वीकार कर रहे हैं। क्रुद्ध हैया वंशी भंगी चले रामदास, तत्काले आमार भातर भैल सर्वनाश। तो रामदास ने उनके पास वो एक बांसुरी रखते थे, तो क्रोध में आकर के उसको तोड़ दिया, वहाँ से चले गए और मेरे भाई का पतन हो गया। यही तो कही लो तन्र सेवक प्रभाव, आर एक कही तन्र दयार स्वभाव। तो ये है भगवान के सेवक का प्रभाव, कि भगवान के सेवक का भी अपमान करने के कारण वो उनका पतन हो गया, उनकी भक्ति में जीवन से। भाई के भट सिनु मुनि लैया ई गुणा, सही रात्रे प्रभु मोरे दिला दर्शन। तो मैंने जो अपने भाई का को भर्सना की, उसको प्रताड़ित किया, तो उस गुण के कारण, उसके कारण नित्यानंद प्रभु ने मुझे रात्रि में दर्शन दिया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी को साक्षात नित्यानंद प्रभु दर्शन दिए। नैहाटी निकटे झामट पुर नाम ग्रामे ग्राम तान्हा स्वप्ने देख दिल नित्यानंद राम। तो एक गांव झामटपुर जो नाईहाटी के नज़दीक है, वहां पर नित्यानंद प्रभु मेरे स्वप्न में आए। दंडवत हैया आमी पड़िनु पायते निज पाद पद्म प्रभु दिला मोर माथे। तो मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया और चैतन्य महाप्रभु ने अपने पाद पद्म मेरे शीश के ऊपर रख दिए। उठ उठ बलि मोरे बले बार बार, उठी तांडा रूप देखी हैनु चमत्कार। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा, उठो उठो, ऐसा मुझे बोला। और फिर मैंने जब उठ करके उनका दिव्य रूप देखा तो ये चमत्कार हुआ। श्याम चिक्कण कांति प्रकांड शरीर, साक्षात कंदर्प यैछे महामल्लवीर।
तो उनका बहुत सुंदर श्याम और बहुत चिकना ऐसा उनका कांति थी शरीर की। वो बहुत लंबे थे, बहुत दिखने में हष्टपुष्ट थे और साक्षात जैसे कामदेव हों इस प्रकार से प्रतीत हो रहे थे, इतने सुंदर थे। सुवलित हस्तपद कमल नयान पट्टवस्त्र शिरे पट्टवस्त्र परिधान। तो बहुत सुंदर उनके हाथ थे, पैर थे, बहुत सुंदर उनके नयन थे और उन्होंने सिर के ऊपर एक पट्ट मतलब सिल्क का टर्बन पगड़ी बांधी हुई थी और सिल्क का कपड़ा वो पहने हुए थे। सुवर्ण कंडल करने सुवर्ण गदवाल पाए थे नूपुर भाजे कंठ पुष्पमाल। उन्होंने कानों में सोने के कुंडल धारण किए हुए थे और बाजू में बाजूबंद और कंगन स्वर्ण के धारण किए हुए थे और पैरों में उनके पायल थी और एक माला फूलों की माला उन्होंने अपने गर्दन में धारण की हुई थी। चंदन लेपित अंग तिलक सुठाम मत्त गज जिनी मद मंथर पयान। और चंदन का लेप उनके शरीर पर हुआ था, तिलक था और जैसे एक मदमस्त हाथी जैसे सुंदर उनके भाव भंगिमा थी, उनका चलन इत्यादि इतना सुंदर था। कोटि चंद्र जिनी मुख उज्ज्वल वरण दाडीमा बीज सम दंत तांबूल चरवण। तो जैसे कोटि चंद्र कोटि कोटि चांद जैसे निकल गए हों, इतना उज्ज्वल उनका मुख था और अनार के बीज के समान उनके दंत थे जो तांबूल चरवण तांबूल के चबाए हुआ था। प्रेम मत्त अंग दाहिने वामे डोले कृष्ण कृष्ण बलिया गंभीर बले बले। और ऐसे वो हिल रहे थे और कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे। रंगा यष्टि हस्ते डोले ये न मत्त सिम्हा चारि पाशे वेदी आछे चरणे त भृंगा। पारिषद गणे देखी सब गोप वेशे कृष्ण कृष्ण कहे सबे सब प्रेम आवेशे। और उनके साथ उनके पार्षद भी थे, वो भी सब गोप वेश में थे और कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे। शिंगावंशी भाजय केह केह नाचे गाए सेवक यो गाए तांबूला चामर ढुलाए। अलग अलग सेवा कर रहे थे, कोई चमर ढुला रहे थे, कोई नाच रहे थे, इस प्रकार ये सब दृश्य वो देख रहे हैं। नित्यानंद प्रभु सब पार्षद ये सब दृश्य वो देख रहे हैं। कौन कौन देख रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। मैं सो तो नहीं गए इसे चेक करने। नित्यानंद स्वरूप देखिया वैभव किबा रूप गुण लीला अलौकिक सब। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु का अलौकिक सौंदर्य रूप मैंने देखा। आनंद ते विवला मी किच्छु नाही जानी तबे हाशी प्रभु मोरे कही लेन वाणी। तो तब फिर नित्यानंद प्रभु ने प्रसन्न होकर के ये वचन मुझसे कहे। आरे आरे कृष्णदास ना कर भय वृंदावने याह तान्हा सर्वलभ्य है। अरे कृष्णदास डरो मत, तुम वृंदावन जाओ और सब तुम्हारी सब जो भी इच्छाएं सब पूरी होगी, ऐसा आदेश उनको दिया। एत बलि प्रेरिला मोरे हाथ सानी दिया अंतर्धान कैला प्रभु निज गण लैया। ऐसा कह करके उन्होंने मुझे वृंदावन जाने के लिए हाथ दिखा करके आदेश दिया, जाओ वृंदावन जाओ। और ऐसा कह के वो अपने सभी पार्षदों के साथ में अंतर्धान हो गए। मूर्छित हैया मुई पड़िनु भूमिते स्वप्न भंग हैला देखी हायाचे प्रभाते। तो मैं फिर मूर्छित होकर गिर गया और जब मेरा स्वप्न टूटा और वापस मैं अपनी चेतना में आया तो मैंने देखा कि सुबह हो चुकी थी। कि देखिनु की सुनिनु करिया विचार प्रभु आज्ञा हो लो वृंदावन याई बार। ही मैंने क्या देखा, मैंने क्या सुना, ऐसा मैं विचार करने लगा और प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है ऐसा समझ करके मैं वृंदावन चल दिया। सही क्षण वृंदावन करिनु गमन
प्रभुरा कृपाते सुखे आई नो वृंदावन। उसी क्षण मैंने वृंदावन के लिए प्रयाण किया और सुखी वृंदावन पहुंच गया। तो हम देख सकते हैं कृष्णदास कवलदास गोस्वामी के इस व्याख्यान से कैसे भगवान कैसे साक्षात निर्देश देते हैं अपने भक्तों को सेवाएं करने का, दर्शन देते हैं। ये सब निकट घटनाएं हैं जो अभी कुछ समय पहले ही घटित हुई हैं। जय जय नित्यानंद नित्यानंद राम यान हार कृपाते पाइनो वृंदावन धाम। तो जय जय नित्यानंद प्रभु जिनकी कृपा से मुझे वृंदावन धाम मिला। तो केवल टिकट से वृंदावन धाम नहीं मिलता है, नित्यानंद राम की कृपा से मिलता है। जय जय नित्यानंद जय कृपा मय यान्हा होइते पाइनु रूप सनातनाश्रय। तो नित्यानंद प्रभु की जय हो जिनकी कृपा से मुझे रूप सनातन का आश्रय प्राप्त हुआ। तो अभी जब वृंदावन आए तो उन्होंने उनको रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का आश्रय प्राप्त हुआ। यान्हा होइते पाइनु रघुनाथ महाश्रय यान्हा होइते पाइनु श्री स्वरूप आश्रय। तो जब वो अभी वृंदावन आए तो वहाँ पर अभी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी थे और रघुनाथ दास गोस्वामी पहले ही हमने वर्णन किया, वो वहाँ तीनों थे। तो अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी विशेष रूप से रघुनाथ दास गोस्वामी के सेवक बने, उनकी उन्होंने उनके शरण ग्रहण की। और ये रघुनाथ दास गोस्वामी कौन थे? स्वरूप आश्रय, श्री स्वरूप आश्रय, ये जो हैं स्वरूप गोस्वामी के आश्रय में थे। स्वरूप गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे जिन्होंने सारी अंत्य लीला में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा की थी। रघुनाथ दास गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और फिर रामानंद राय। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वरूप कृष्णदास कविराज गोस्वामी को अंत्य लीला रिवील की, प्रकट की। और इस कारण से स्वरूप दामोदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये चैतन्य चैतन्य में मुख्य रूप से अंत्य लीला को विस्तारित किए। तो जो चैतन्य भागवत है उसमें मध्य लीला और अंत आदि लीला, मध्य लीला अधिक विस्तार से है, लेकिन चैतन्य चैतन्य में विशेष रूप से उनको जो आदेश मिला था, किसका आदेश? वो तो अंत्य लीला लिखने का आदेश हरिदास पंडित से उनको आदेश मिला था कि आप बाबा सुनना पड़ेगा। तो वहाँ से इनको जो आदेश मिला था तो इस प्रकार से वो पूरा हुआ उनका कि ये रघुनाथ दा वहाँ पर वो मिले स्वरूप दामोदर गोस्वामी। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी की एक कड़चा डायरी थी जिसमें वो सब जो अंत्य लीला है उसका उन्होंने नोट्स बनाए थे। तो ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी से मिली रघुनाथ दास गोस्वामी को और रघुनाथ दास गोस्वामी से फिर मिली कृष्णदास कविराज गोस्वामी को। सनातन कृपाए पाइनु भक्ति रस सिद्धांत श्री रूप कृपाए पाइनु भक्ति रस प्रांत। सनातन गोस्वामी कृपा से मुझे भक्ति के सिद्धांत प्राप्त हुए और रूप गोस्वामी कृपा से मुझे भक्ति का रस प्राप्त हुआ। क्या समय हो गया? 8:47। ओके हाँ। जय जय नित्यानंद चरणारविंद यान्हा होइते पाइनु श्री राधा गोविंद। तभी नित्यानंद प्रभु ने उन्हें आदेश दिया। तो अभी रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी मिल गए सनातन गोस्वामी और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी। तो अभी उन्होंने भी उनको कहा कि अभी आप जो है ये लिखिए चैतन्य चैतामृत लिखिए। तो फिर क्या हुआ कि वो आगे बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से मुझे राधा गोविंद की कृपा मिली। जगाई माधाई होइते मुइशे पापिष्ट पूरी शेरा कीट होइते मुइशे लघिष्ट। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जगाए मधाई से भी मैं अधिक पापिष्ट हूँ। तो पापियों में जगाए मधाई महान थे लेकिन वो कह रहे हैं मैं उनसे भी अधिक पापिष्ट हूँ। पूरी शेर कीट होइते मुइशे लघिष्ट और एक मल कीट से भी अधिक मैं निम्न हूँ। मोर नाम अशुन यही तार पापक पुण्य क्षय
मोरा नाम लोय यही थारा पाप होए। जो मेरा नाम लेता है उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है और जो मेरा नाम लेता है उसका सारे पाप उसको चढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत विनीत भाव में रघुनाथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी थे। निर्घृणा मोरे केवा कृपा करे एक नित्यानंद विनु जगत भीतरे। तो मेरे जैसा जो गृहित है, निगृहित घृणित व्यक्ति है, कौन नित्यानंद प्रभु के बिना कौन उस पर कृपा करेगा, वही मुझ पर ये कृपा कर पाए। प्रेमे मत तो नित्यानंद कृपा अवतार उत्तम अधम किछु न करे विचार। तो नित्यानंद जो है वो कृपा के अवतार हैं और वो उत्तम और अधम ये सब विचार नहीं करते हैं, इसलिए संभव हुआ कि मिर्जा से अधम पर उन्होंने कृपा की, ऐसा कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी अपनी विनम्रतावश बोल रहे हैं। ये आगे पढ़ ये तारे कर य निस्तार अतेव निस्तारीला मोहे न दुराचार। जो भी उनकी आंखों के सामने आता है उसका निस्तार कर देते हैं। तो इस प्रकार से मैं उनके सामने आया तो मेरा भी उन्होंने उद्धार कर दिया। मो पापिष्ठे आए आनिले न श्री वृंदावन मोहे न अधमे दिला श्री रूप चरण। तो उनके उन्होंने मुझ पापिष्ठ पर अनुग्रह किया और मुझे वृंदावन ले आए और यहाँ पर मुझे रूप गोस्वामी के चरण, रूप सनातन गोस्वामी के चरण मुझे प्रदान किए। तो ये सब उनका आदेश था, इसलिए सब चीज़ होती गई। तो हम देखते हैं हमारी भक्ति सेवा में भगवान गुरु जनों का जब आदेश होता है, उनकी कृपा मिलती है, तब एक के बाद सब चीज़ें सक्सेसफुल्ली होने लगती हैं, करेक्ट। और नहीं तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ जैसे लगते हैं, बहुत मुश्किल होती है। जैसे श्रील प्रभुपाद के हम जीवन में देखते हैं, श्रील प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज का आदेश प्राप्त था, बहुत प्रयास उन्होंने किया, ऐसा नहीं कि ऐसे ही हो गया, लेकिन प्रयास के साथ साथ वो कृपा जब होती है तब वो प्रयास जो है वो फलित होते हैं। तो इतना मुश्किल कार्य है पाश्चात्य जगत में आकर के कृष्ण भक्ति को स्थापित करना, बहुत मुश्किल कार्य है। तो इसी प्रकार से सब महान आचार्यों के हम इसे देखते हैं कि इस प्रकार से भगवत कृपा, गुरुजनों की कृपा से वो सब जो मुश्किल कार्य है वो सब संभव हो जाता है। श्री मदन गोपाल श्री गोविंद दर्शन कही बार योग्य न है यही सब कथन। तो मैं ये सब जो मैं बोल रहा हूँ चैतन्य चरितामृत, ये मैं सब ये सब मैं जो बता रहा हूँ वो मैं उसके लिए सक्षम नहीं हूँ बोलने के लिए, मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ। अभी वो क्या बोल रहे हैं, बोलेंगे कि उनको कैसे मदन मोहन का आदेश भी प्राप्त हुआ, उनकी कृपा प्राप्त हुई कि आप चैतन्य चरितामृत लिखो। तो जो वो अभी कृपा उनको आदेश मिला गुरुजनों का, लेकिन अभी वो भगवान से अनुमति लेने जा रहे हैं कि भगवान मुझे, क्योंकि आपकी शक्ति के बिना संभव नहीं है। वृंदावन परंदर श्री मदन गोपाल रास विलासी साक्षात ब्रजेंद्र कुमार। तो मदन गोपाल जो हैं वो वृंदावन के मुख्य विग्रह हैं, जो रास नृत्य का आस्वादन करते हैं और वे मदन गोपाल जो हैं वो व्रज के राजा के पुत्र हैं। श्री राधा ललिता संगे रास विलास मन मत्थ रूपे अनहार प्रकाश। तो जो राधा ललिता के साथ में वो रास विलास करते हैं और मन मत्थ रूपे, मन मत्थ मतलब कामदेव, उसके रूप में वो प्रकाशित होते हैं। फिर स्वमाधुर्य लोकेर मन करे आकर्षण द्वी पाशे राधा ललित करे न सेवन। नित्यानंद दया मोरे तान्र देखाइला श्री राधा मदन मोहने प्रभु करी दिला। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा उन्होंने मुझे दिखाई और राधा मदन मोहन का दर्शन मुझे कराया, उनकी कृपा मुझे प्राप्त हुई नित्यानंद प्रभु की कृपा से। मोअधा में दिला श्री गोविंद दर्शन कही बार कथा न है अकथ्य कथन। तो उन्होंने मुझे गोविंद देव के दर्शन कराए। अभी हम भी दर्शन करने जाते हैं लेकिन हमें वो स्फूर्ति नहीं होती है, सेवा में स्फूर्ति नहीं प्राप्त होती है उस प्रकार से जिस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी को प्राप्त हुई। क्योंकि तो इसको दर्शन करना कहते हैं, केवल रेटिना के ऊपर इम्प्रेशन को दर्शन नहीं कहते हैं। जहाँ पर कृष्ण सेवा में स्फूर्ति प्राप्त हो, जिन दर्शन से
उसको दर्शन कहते हैं। तो वो जो अभी घटा वो मैं कहने के लिए योग्य नहीं हूँ और वो कहने के लिए अच्छा भी नहीं है, किंतु फिर भी आवश्यक है ये बताना भी। वृंदावन योग पीठे कल्पतरु वने रत्न मंडप तारे रत्न सिंहासने श्री गोविंद वशियाचेन व्रजेंद्र नंदन माधुर्य प्रकाशी करे न जगत मोहन। तो वृंदावन में एक योग पीठ है जहाँ पर एक कल्पतरु के नीचे रत्न मंडप में रत्न सिंहासन में श्री गोविंद जी विराजमान हैं। वाम पार्श्वे श्री राधिका सखी गण संगे, ये सब दर्शन किए उन्होंने, कृष्णदास कवराज गोस्वामी ने ये सब दर्शन कर रहे हैं साक्षात, वहाँ जब गए तो ये सब दर्शन कर रहे हैं वो। रासादिका लीला प्रभु करे कतो रंगे, तो राधिका जी हैं उनके वाम पक्ष में और सब अन्य सखीगण हैं और इस प्रकार वो रस लीला का आनंद ले रहे हैं। यान ध्यान निज लोके करे पद्मासन अष्टशा साक्षर मंत्र करे उपासन, ये दर्शन जो है वो अष्टाक्षर मंत्र से ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी इत्यादि इनका दर्शन इनका ध्यान करते हैं। चौदह भुवन यान रे सबे करे ध्यान वैकुंठादि पूरे यान रा लीला गुण गान, चौदह भुवन में इस प्रकार ध्यान योगी सब इस प्रकार से उनका ध्यान कर रहे हैं, वो दर्शन को साक्षात वहाँ हो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को जो बड़ी मुश्किल से ध्यान करने प्राप्त होते हैं वहाँ पर कृष्णदास कवराज गोस्वामी को साक्षात वो दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। यान रा माधुरी ते करे लक्ष्मी आकर्षण रूप गोसाई करी याचेन से रूप वर्णन, तो जो लक्ष्मी जी हैं वो भी जिनकी माधुर्यता से आकर्षित हो जाती हैं और रूप गोस्वामी जिनका वर्णन करते हैं वो दर्शन मुझे वहाँ पर उनका प्राप्त हुआ। तो अभी रूप गोस्वामी का एक श्लोक यहाँ पर उद्धृत करते हैं। साक्षात व्रजेंद्र सुत इथे नाही आन ये ब आज्ञ करे तान रे प्रतिमा हे न ज्ञान, तो ये साक्षात व्रज नंदन है और केवल मूर्ख ही उनको एक स्टैचू एक केवल एक पत्थर मानते हैं। सही अपराधे तार नहीं कने स्तार घोर नरक केते पड़े कि बाली बा आर, जिस प्रकार जो अपराध करता है वो नरक गामी होता है। हे न ये गोविंद प्रभु पाइनु यहाँ होते तहाँ न चरण कृपा कृपारे वर्णिते, तो उनकी कृपा नित्यानंद प्रभु की कृपा को कौन बखान कर सकता है जिनके कारण मुझे गोविंद देव की कृपा प्राप्त हुई। वृंदावन वैशी वैश्ययत वैष्णव मंडल कृष्ण नाम परायण परम मंगल, तो सारे जो वैष्णव जो वृंदावन में रहते हैं वो भगवान कृष्ण के नाम का गुणगान करने में रत रहते हैं। यान र प्राण धन नित्यानंद श्री चैतन्य राधा कृष्ण भक्ति विनय नाही जाने अन्य, तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु उन सब वैष्णवों के प्राण हैं। सही वैष्णवे रे पाद रेणु तारा पाद छया आधा मेरा दिला प्रभु नित्यानंद दया, तो उन वैष्णव आचार्यों की रज चरण रज मुझे प्राप्त हुई नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तान र सर्वलभ्य होय प्रभुरा वचन सही सूत्र ऐ तार कैला विवरण, तो वृंदावन में सभी चीज़ें संभव हो जाएंगी जो उन्होंने आज्ञा दी थी, जो उन्होंने वचन कहे थे। किसने? नित्यानंद प्रभु ने, जाओ वृंदावन जाओ तुम्हारी सब इच्छा। तो ऐसे करके सब इच्छा का वो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं आया था, लेकिन अभी वो रेट्रोस्पेक्टिवली जब देख रहे हैं तब उनको समझ में आ रहा है वो वचन कैसे, तो भगवान वचन बोले तो उसके अंदर ये सब था उनको। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी, और क्या हुआ जब वो मदन मोहन भगवान के सामने गए ये प्रार्थना करने की, भगवान मुझे आदेश मिला है कि मैं आप चैतन्य महाप्रभु की अंत्यलीला चैतन्य महाप्रभु के लिए ये बखान करूँ चैतन्य चिंतामणि लिखूँ, तो कृपया मुझे आज्ञा दीजिए, तो भगवान की एक माला उनके गले में आके के गिर गई, जिससे उन्होंने ये उनको अनुभव हुआ कि भगवान का भी ये अनुमति आशीर्वाद है जाओ लिखो। और इस प्रकार से सभी वैष्णवों का आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके तब उन्होंने ये चैतन्य की, बहुत वृद्ध थे बहुत आँखें भी उनकी खुलती नहीं थी उसी अवस्था में उन्होंने ये महान ग्रंथ की रचना की। सही सभा पाइनु आमी वृंदावने आए सही सभा लभ्यई प्रभुर कृपाए,
आपना रकथ लिखी निर्लज्ज हैया नित्यानंद गुणे लिखिया उन्मत्त करिया। तो मैंने अपनी कहानी के बारे में बोला है तो लज्जा की बात है, लेकिन क्या करूँ, ये नित्यानंद प्रभु के जो गुणगान हैं जिन्होंने मुझे एक पागल जैसा बना दिया है, वो मुझे ये सब लिखने के लिए बाध्य कर रहा है। तो नित्यानंद प्रभु के गुणगान करने के लिए मुझे इसे लिखना पड़ा। देखो नित्यानंद प्रभु की कृपा, अपना गुणगान नहीं कर रहे हैं वो, इससे वो नित्यानंद प्रभु गुणगान करने के लिए लिख रहे हैं। करेक्ट। तो नित्यानंद प्रभु रा गुण महिमा अपार, सहस्र वदन शेष नाही पाए यान रा। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा अपार है और सहस्र वदन से भी उनका वर्णन नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे स्वरूप कृष्णदास कविराज गोस्वामी कैसे वैष्णव और भगवान की कृपा प्राप्त करके ये सब अद्भुत कार्य किए। तो इसलिए हमें ये सब विश्वास हमारा बढ़ना चाहिए सब वृत्तांत सुन करके, कि हम भी यदि गंभीरता से भगवान गुरुजनों की के मार्गदर्शन भगवान की सेवा में रहेंगे तो हमें भी, हमारी भी बड़ी आशा है, निश्चित रूप से आशा है कि इस प्रकार से भगवान भी हमें स्वीकार करेंगे अपनी सेवा के अंदर, हमें ग्रहण करेंगे और हम भी अंतरंग रूप से भगवान की सेवा में रथ एक दिन हो पाएंगे। तो ये सब जो हम कर रहे हैं ये छोटे मोटी चीज़ नहीं है, ये महान बलशाली चीज़ है। भगवान का परम सानिध्य प्रदान करने का पथ है ये। तो बड़े उत्साह से हमें ये सब कार्य करना चाहिए। अभी छोटा सा वर्णन है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का। तो वाराणसी में जो रहने वाले भक्त थे भगवान के, उसमें चंद्रशेखर वैद्य, तपन मिश्रा, रघुनाथ भट्टाचार्य। रघुनाथ भट्टाचार्य तपन मिश्रा के पुत्र थे। मिश्रेर नंदन, रघुनाथ भट्ट जो है मिश्र के नंदन थे, पुत्र थे। प्रभु यबे काशी आइला देखी वृंदावन। जब वृंदावन से लौट के वो वहाँ गए काशी में, तो वहाँ पर ये सब भक्त वहाँ पर उनके रुके, चंद्रशेखर के घर पर रुके थे, है ना, जहाँ पर फिर सनातन गोस्वामी आए थे और मिलने के लिए वहाँ उनका मिलन हुआ था। वो कंबल सब है ना, और फिर ये वहाँ पर भी वो ये सब हुआ था, प्रकाशन सरस्वती वो सब जो मिलन हुआ था वहाँ पर। ओके। रघुनाथ बालिया कैल प्रभु रसेवन, उच्चिष्ट मार्जन आर पाद संवाहन। तो रघुनाथ उस समय, रघुनाथ भट्ट बहुत छोटे थे उस समय, बच्चे थे, तपन मिश्रा के यहाँ जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो उन्होंने प्रभु का सेवन किया, उच्चिष्ट मार्जन इत्यादि पाद सेवन किया। तो इस प्रकार से उनको वहाँ पर सेवन का मौका मिला। बड़ होइल नीला चल गेला प्रभुर स्थाने, अष्टमास रहिला भिक्षा देना को न दिने। तो इस प्रकार से रघुनाथ जो है वो एक युवा बन गए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को मिलने वो गए जगन्नाथपुरी में, और वहाँ पर 8 महीने रहे, और कभी कभी वो चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद अर्पित करते थे। प्रभु राज्ञा पाया वृंदावन आइला, आशिया श्री रूप गोसानी र निकटे रहिला। और चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से वो वृंदावन गए और वहाँ पर रूप गोस्वामी के निकट वहाँ पर उनको आश्रय प्राप्त हुआ। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सभी वैष्णवाचार्यों के वहाँ पर केयर टेकर थे वृंदावन के अंदर। तन्र स्थाने रूप गोसाई सुने न भागवत, प्रभुरा कृपाए तेनो कृष्ण प्रेम मत। रूप गोस्वामी उनसे भागवत श्रवण करते थे, श्रीमद् भागवतम। किन से? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से। और ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कृष्ण प्रेम में उन्मत्त रहते थे। रघुनाथ भट्टाचार्य या रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ये 6 गोस्वामी से एक हैं और ये तपन मिश्र के पुत्र हैं। तो 1503 ईस्वी में इनका आविर्भाव हुआ था और ये भागवतम के पाठ करने में बड़े निपुण थे। अंत्यलीला में इनका वर्णन आता है और ये बहुत अच्छे कुक भी थे। तो जो कुक हैं उनके ये गुरु हैं, उनको गुरु बनाना चाहिए। जो भी वो बनाते थे, जो भी वो कुक करते थे, वो अमृत के समान होता था।
ऐसे एक और महान कुक थे राघव पंडित और उनकी बहन दमयंती। तो वो स्नैक्स बनाती थी जो राघव पंडित लेके आते थे जगन्नाथपुरी और चैतन्य महाप्रभु उसको लेते थे, राघवेरा झाली उसमें ले जाते थे। चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते थे जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो पकाते थे उसको ग्रहण करके, और रघुनाथ दास गोस्वामी फिर जो चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट था उसका सेवन करते थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी 8 महीने तक जगन्नाथपुरी में रहे, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया अभी आप वृंदावन जाइए और रूप गोस्वामी की शरण ग्रहण कीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को कहा कि आप विवाह मत कीजिए, आप ब्रह्मचारी रहिए, और उनको कहा निरंतर श्रीमद् भागवतम को पढ़िए। तो इस तरह से वो वृंदावन आए और वहाँ पर श्रीमद् भागवतम का पाठ करने में हमेशा रत रहते थे रूप गोस्वामी के समक्ष। वो बहुत निपुण थे श्रीमद् भागवतम का पाठ करने में और एक एक श्लोक को तीन तीन अलग अलग धुन में वो बहुत सुंदर मधुर वाणी में उसका पाठ करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के साथ जब रह रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना जो जगन्नाथ भगवान को जो ऑफर किया हुआ जो ये था बीटल नट यानी क्या बोलेंगे उसको सुपारी, तो वो अपना महाप्रसाद उनको अपना प्रसाद उनको दिया और एक तुलसी की एक माला उनको दी। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के आदेश पर उनका जो एक शिष्य हैं उन्होंने ये गोविंद मंदिर बनवाया। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने और सारे जो ऑर्नामेंट्स थे वो गोविंद डेटीज़ को दिए। उन्होंने कभी भी भौतिक विषयों के विषय में कोई कुछ नहीं बोला और केवल कृष्ण 24 घंटे केवल कृष्ण के विषय में ही सुनते थे। उन्होंने कभी किसी वैष्णव की निंदा नहीं की। इवन व्हेन देयर वर पॉइंट्स टू बी क्रिटिसाइज ही यूज्ड टू से दैट सिंस ऑल द वैष्णवास वर एंगेज इन सर्विस ऑफ लॉर्ड ही डिड नॉट माइंड देयर फॉल्स। कभी कुछ क्रिटिसाइज भी करने का पॉइंट होता था तो बोलते थे नहीं सभी ठीक है, भगवान की सेवा में कर रहे हैं इसलिए दोष नहीं निकालना है। बाद में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वो राधा कुंड में एक छोटी सी कुटिया में रहे और गौर गोनंदेश दीपिका ने बताया है कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एक गोपी थे राग मंजरी, उनका कृष्ण लीला में वो राग मंजरी थे। इस प्रकार कुछ संक्षिप्त में वर्णन करने का प्रयास किया तीन गोस्वामी के विषय में। हरे कृष्णा, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। श्री स्वरूप श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय।